किसी को नॉम हो गया क्या करते हैं तो कब से मैं रुक गई तुम क्या हुआ अरे मैं जान लग रही है मैं दिखा मेरा ना दिमाग मत खराब मैंने सारा फ्रूट्स वगैरह मैंने वॉश कर लिया और अब चलते हैं और हमारा भोग के लिए वो छोला और पूरी वगैरह बनाते जो कि चढ़ेगा भगवान जी को फिर रात में मैं ही वो खाऊंगी तो यहाँ पे सब कुछ इसने भाई धो धा के लेके आई है यहाँ पे मंदिर में रख रही है बबू और पीछे उसके संभाल के ये हटाओ यहाँ से बोर्ड को हाँ उसको मैं हटा देता हूँ इसको वहाँ पे रख दो बस 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 यहाँ पे हो जाएगा इतने में हाँ थोड़ा सा टेढ़ा करके रखना वहाँ पे अभी जाके रख के आई सब फ्रूट्स वगैरह और यहाँ पे अब भोग के लिए प्रसाद बन रहा है यहाँ पे क्या रखा है वो छोले ना छोले और यहाँ पे पूरी पूरी बनने की तैयारी चल रही है फुल तुमको कितनी खाई हो रही है और भाई साहब इतना ज्यादा गर्म हो रहा है ना पूछो मत देखो मैडम पूरा पसीने में लथपथ हो गई है बिचारी और यहाँ पे छोला बन रहा है छोला बन रहा है ना ये बच गया कुकर फिर तैयार होने में तो यहाँ पे गाइस मैंने सोचा कि मेरी मैडम को मदद कर देते थोड़ा सा पूरी बना अरे भाई भाई भाई, भाई पूरी बनाने गाइस साथ में लेके यहाँ पे ना बस मैं 5 पूरी के लिए घी डाल रही हूँ बाकी देर में बनाएंगे ठीक है ये रख दो बहुत गर्म हो रहा है छोला हो गया अभी ये लोहिया बना लोहिया बनाओ मैं ये करता हूँ ना नहीं पहले मैं निकालूंगी फिर मैं तुम करना बहुत लोग ऐसे कहते आटे में हाथ ही नहीं ना बाबू नहीं मैं डाल सकता हूँ लेकिन मैं गोल गोल बना नहीं पाऊंगा ना अच्छा अच्छा ठीक साइज बन गई पूरी थोड़ी सी बड़ी हो गई यार बड़ी बड़ी ही चलेगी थी अभी कोई कोई सही हो जा रही कोई कोई घूम नहीं पा रही है तो ये क्या दे दिया पागल तो इसमें नहीं तो इसमें अरे अपने रोटी का भी डब्बे अच्छा दिखाना ब्लैक तेरे पर गिरी हाँ धीरे धार हम लोग फिर भी गर्म हो रहा है अब तो हवा ही नहीं चल रही तो इस टाइम पे कल बारिश आ गई थी तूफान आज कुछ आज कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे अभी सारा पूरी हो गया है ये भगवान जी का पूरी रखा हुआ है साइड में और ये सारी पूरी यहाँ पे बन गई तो इतना से बाकी है उसके बाद जल्दी जल्दी बाप रे बाप दिवाली चली दिवाली चालू सब पूजा यहाँ पे करेंगे हम लोग मंदिर के पास ही चिड़िया खाई नहीं है तो करेगी क्या यार चलो यहाँ पे मैडम हो रही है रेडी पता नहीं कितना टाइम ले रही है रेडी हो गई है कि नहीं होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा हमेशा नहीं, हमेशा नहीं इतना टाइम लेती है ना पूछो मत भाई भी, मतलब हाँ मैं जस्ट अभी आई हूँ और बस कॉम्पैक्ट लगाया और कुछ भी नहीं कर रही थी जल्दी करो बेचारी थक गई यार कुछ भी करती है ना तो एक ही चीज आता है हाय रे मैं तो थक गई फिर कुछ करेगी थोड़ी देर हाय रे मैं तो फिर से थक गई ना बहुत दुख रहे हैं। चप्पल भी नहीं पहन रही बाबू तेरा घर वाला चप्पल पहनना पैर वैर सूज जाता है ये टाइल्स पे ना नॉर्मल ऐसे चलने से ना पता नहीं क्या होता है पैर वैर सूज जाता है इसका तो इसके लिए इसके घर पे देखो एक इसका ये वाला चप्पल है एक ये घर वाले चप्पल है खाली ऑल राइट गाइस मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और अभी तक मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा नहीं है तो चलो चलते हैं और उनका रिएक्शन लेते हैं यार अब मेरे को ना थोड़ा सा हलचल हो रहा है पेट में और ये सब भी जल रहा है क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ नहीं खाती ना तो जलन होने लगती है फटाफट चलते हैं और देखते हैं राहुल का कैसा रिएक्शन है बाबू आओ भाई साहब अकेले के लिए दरवाजा बंद करके देखो क्या हो रहा है देखने तो देखने भी नहीं दे दी यार मैं जा रही हूँ तैयारी करना मस्त लग रही बाबू अरे रुक रुक अच्छे से करने अरे मैं पूजा कर लूँ फिर अभी देखते रहना पागले तो कब ऐसे सब नहीं बोलते सुंदरी लग रही है विश्व सुंदरी और भाई ये है माहौल कुछ रात का बिजली कड़क नहीं रही और लाइट लाइट क्या भागा क्या भागा वो क्या भाग रहा रही बाप रे ये क्या था वो ओह शिट ये वो क्या था भाई साहब अरे अरे वो देखो भाग रहा है कुछ तो देखो आसमान में कुछ तो भाग रहा है चांद बाबा यहाँ से आएंगे हम घर में बैठे बैठे दर्शन करेंगे तो यहाँ पे अभी मैडम का सारा रेडी हो गया भाई बाबू हुआ सब मैं जाऊँ पानी चालू कर दूँ तब तक ये ना थोड़ा सा पर्दा लग जाता है तब अच्छा लगता है नहीं तो वहाँ पे ना उसका कुछ तो करना है अरेंजमेंट इसलिए पर्दा लग रहा है ना बहुत तेज हवा आ रहा है रहने तो बाबू उड़ेगा उधर दिया चल रहा है ना
बाप रे बाप गाइस, देखो इतना ज्यादा क्लाउड हो गया है ना, चंदा मामा अगर आएंगे तो भी दिखेगा नहीं, और बिजली इतनी कड़क रही है, हवा धड़ 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 धड़, बारिश भी चालू हो गई। देखो सो गाइस, यहाँ पे फाइनली मेरा पूजा और सब कुछ हो गया है, और अब मेरा ना सर बहुत ज्यादा दुख रहा है यार। कब निकलेगा चांद पता नहीं, आज से पहले कभी नहीं ऐसा हुआ कि मेरे को इतनी तेज मतलब भूख के वजह से सर दुख रहा है। हर साल बिना पानी वगैरह के रख लेती थी, इस एक नारियल पानी भी पिया मैंने जबरदस्ती पिलाया मेरे पति ने, पर दुख रहा है, मेरा पेट में भी दुख रहा है और गले में भी जलन, सीने में भी, और सर तो बहुत भारी पड़ रहा है यार। कैसे प्रेगनेंसी में एक्चुअली नहीं रखना चाहिए, बट ठीक है अब खत्म ही होने वाला है, बस चांद का वेट कर रही हूँ। चांद मामा जाओ, घर पे भी बात कर लिया मम्मी से, मेरी भी मम्मी से, मेरी सासू मम्मी से भी, बहनों से, सबसे बात करके टाइम पास कर रही हूँ कि टाइम बीत जाए। पार्ट भी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, देखो ये थाली भी रेडी कर दी है जो लेकर जाऊंगी मैं। तुम्हारे देखने से नहीं आएगा बाबू, बिचार हाँ बिचारी कब से जा जाके ना देख रही है कि आ गए कि नहीं आ गए चंदा मामा। तो वहाँ पे दिखा दो, देखो वो जो टेरिस है ना, यहाँ पे लोग सब खड़े हैं, अभी इंतजार कर रहे कब आ जाए। नीचे खड़े हो जाओ हाँ, और देखो यहीं से आने वाले चंदा मामा, लेकिन अभी तक आए नहीं है यहाँ से। ऐसे बस ना एक ऐप है जिसमें हाँ। बताता है कहाँ पे कौन सा है, मुझे कोई देखो एक्चुअली आप ही गए यहाँ पे, कौन से कहाँ पे है, ये देखो दिख रहा है, लाइट दिख रहा है ये वाला, हाँ ये ऊपर, हाँ तो इधर ही है, लेकिन क्लाउड ना बारिश की वजह से ना, क्लाउड्स है ना इसकी वजह से, नहीं तो अब तक तो हो भी गया, देखो यहाँ पे देखो इसमें दिख रहा है, मोबाइल में दिखा, हाँ ये देखो मोबाइल में, यहाँ पे ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा। बेचारा कब से देख रहे हैं मेरे लिए कि कहाँ है कहाँ पहुँचे, मुंबई में दिल्ली में तो 8:30-8 बजे निकल गया, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, पर बच गए। अरे चिल्लाना मत, नहीं तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं यार बैठो, मेरा सर ना दुख रहा है बहुत, बैठो बैठो बैठो, ठीक है बैठो। आपके यहाँ पे आ गया क्या, हमारे तो 10:30 बजने हैं, बताओ अभी तक नहीं आया, लिटरली देखो 10:30 होने आया भाई और अभी तक नहीं, नाम नहीं ले रहा, ये बारिश ने सब खराब किया। सुबह मेरे दिमाग में ना बहुत ही जबरदस्त वाला आइडिया आया हुआ है, तो मैं ना अभी करने वाला हूँ मैडम के, चलिए मचाते हैं बवाल बिना कोई सवाल, क्योंकि बात ऐसी है एकदम घर जैसी है। हेलो हाँ हाँ, अच्छा तेरे यहाँ चांद निकल गया क्या तेरा? अरे यार यहाँ पे तो कब से नहीं निकल रहा है, ठीक है मैं आता हूँ वहाँ पे, ठीक है। क्या, किसका चांद? रख मैं आता हूँ, अरे रखो मैं रखो, हाँ मैं फोन करता हूँ, कुछ नहीं यहाँ पे तो। किधर नहीं, कौन है, हेलो क्या, किसका चांद निकलवा रहे हो? अरे कुछ नहीं, दोस्त के यहाँ चांद निकल गया क्या, पूछ रहा था। चांद निकल गया तो क्या, अरे दोस्त के यहाँ पे पूछ रहा, जो अभी बोले कि मेरे को मैं जा रहा हूँ, तो वो दोस्त को चांद देखना है तुम्हारा मुखड़ा। अरे जैसे यहाँ पे अभी निकल गया ना, सारी जगह पे निकल रहा चांद, तो वही पूछ रहा हूँ कब निकल गया, उसके उधर निकल गया तो मैं जा, किधर जा रहे हो, उसके उधर निकल गया तो चांद और उसका निकलना तुम्हारा मिलना क्या है? अरे मैं थोड़ा फोटोज वीडियोस वगैरह लेके आता हूँ ना तुम्हें यहाँ दिखाऊंगा, चांद का, हाँ चंदा मामा का, वहाँ पे निकल चुका था तो मैं सोचा जाके वहीं पे देख लेता हूँ, फिर वहां से आता हूँ। ज्यादा ना दिमाग मत खराब करना मेरा, समझे ना राहुल, ऐसी व्रत रखे चांद नहीं निकल रहा, ऊपर से अलग ही दिमाग कर, फोन दो। अरे फोन मैं जाकर नहीं, किधर नहीं जाएगा तो अभी देख, तो मैं कैसे किधर, बाबू यहाँ नहीं चांद नहीं, मेरे को फोन दो, मेरा सर दुख रहा है, मेरे को भूख लगी, मेरे अंधे बच्चे मेरे को मार रहा है। अरे मैं जाके आता हूँ, मैं फट से जाके आऊँ, अरे उसके उधर निकल गया ना चांद, अरे दोस्त के उधर, कोई नहीं कोई, अब तो कहीं नहीं जाएगा, मेरे को तो लगा कि कोई दोस्त आए, उसको ऊपर बुलाओ, ऊपर नहीं, अरे थोड़ी दूरी पे ऊपर, तो उसको इधर बुलाओ, थोड़ी दूरी पे ना, अरे मैं जाके आता हूँ ना बबू यार, नहीं नहीं इधर बुलाओ, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, बस बात खत्म, और मेरा चांद निकला तो हा? तुम्हारा चांद निकलेगा जब तक आ जाऊंगा ना, यहाँ पे टाइम लगेगा आने के लिए, तब तक तुम क्या करोगे, उधर जाके किसी का व्रत खोल के आओगे ना, फोन दो। व्रत नहीं खोलने जा रहा हूँ किसी का बाबा, मैं जा रहा हूँ, किसका चांद निकला नहीं निकला, कोई लड़के का चांद निकलने का क्या मतलब, वहाँ पे निकल गया वो पूछ रहा था ना, तो वहाँ पे निकल गया तो मैं बोला मैं वहाँ पे जाके आता हूँ ना, पहले वो काम निपटा लेता हूँ, चांद निकला तो जाके क्यों आना है, वो निपटा लूंगा ना फिर यहाँ पे आता हूँ, फिर क्या, फिर तुम्हारा देख लेंगे ना चांद। मैं पानी पीने जा रहा हूँ। कहाँ पानी पीने जा रही है? बिना चांद के पानी पीऊंगी, खाना भी खा लूंगी अब मैं पागल हूँ? अरे नहीं पागल है, लेकिन मैं वहां जाके आता हूँ, उसका तो निकल गया ना चांद, तो उसका चांद, फोन दो मेरे को, उसका चांद, उसका कोई व्रत रखा है तुम्हारे लिए?
अरे नहीं बाबा, फोन आया उसका और हाँ। अरे फोन फोन आया ना, तो किसका फोन आया और किसका फोन, किसका चांद आया है? फोन रुक दे ना, मैं दिखा देना ना, दिमाग मत खराब करो, सीरियसली बता रही हूं मैं। दिखा तो मेरे को यार, फोन मत ले यार, फोन आ रहा है उसका, मैं जाके आता हूँ 10 मिनट में, फिर यहाँ पे कर लेंगे ना अपन चांद चांद सी मेरी, मैंने ऐसा सोचा ना था। अरे क्या हुआ? अरे मैं जाके आता हूँ ना बाबू, इसका चांद निकल गया। अरे दोस्त के यहाँ पे निकला, तो उससे चांद का तुम्हारे से क्या लेना देना है? चांद का क्या लेना देना है? दोस्त है, उसको बुला लो, नीचे मिल लो। और आज के दिन अपने बीवी को छोड़ के कौन दोस्त से मिलने मैं जा रहा हूँ, जाके आता हूँ, ठीक है? तुम रहो इधर पे, मैं आ जाऊंगा एक 15-20 मिनट में, जाता हूँ मैं, ठीक है? मेरी कसम, अगर घर के बाहर एक भी कदम निकाला ना, देख लेना। जा क्या, किसका व्रत खोलना है? हाँ? दोस्त है उसके। हाँ तो ठीक है, जाओ अब मैं दिखाती हूँ। क्या वही क्या करने जा रहे हो? खाना खाऊंगी। हाँ? क्या कर रहे हो? मजाक कर रहा है यार, मजाक कर रहा हूँ। कब से मैं रुकी हूँ कि चांद है तो खाओ, चांद है तो खाओ, मजाक कर रहा हूँ। दो शरीर को लेके घूम रही हूँ मैं, पता है बाबू? तू दो शरीर को नहीं, तीन शरीर को लेके घूम रही है यार, मजाक कर रहा हूँ। अरे किसी का नहीं था फोन, देख ये सब देख ले, बस देख ले भाई कुछ। आज के दिन भाई मैं ज्यादा मजाक नहीं कर सकता इसके साथ, एक तो अंदर बाबू भी है, तीसरा वो मार रहा है इसको घचागच घचागच पेट में, तो मैं ना इसको ज्यादा नहीं परेशान कर सकता, तो इसीलिए मैंने झट से बोल दिया, ना फेंक दिया। अरे नहीं बाबू, आईफोन है तेरे लिए गिफ्ट में। किधर? गाइस रुको रुको, दिखाता हूँ आप लोग को गाइस, सच में वो देखो वहाँ पे, ये दिख रहा है, दिख रहा है। और निकले, और निकले, और निकले, बस वो बादल हट जाएगा ना, तो हो जाएगा। फट से, फट से बादल हट जाएगा, थैंक गॉड। कब से रुके, कब से जाओ ना, सबका चांद निकल गया, अब जाओ। अरे रुक जाना, इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं। कब से गाइस आपको बताऊं, लिटरली कितना बज रहा है बताऊं, 11 बज गया भाई, 10:30 के ऊपर हो गया, 10:30 के ऊपर हो गया, और अब भी चांद मामा आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए चलिए फटाफट रेडी करके चलो, तो बहुत परेशान किया इसने भी, 2 मिनट के लिए ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। चलो चलो, अब मेरे को आईफोन चाहिए। यहाँ पे फिल खड़े होते हैं जैसे ही मामा, अब ऐसे कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है बता, भाई रे दोबारा बोले किसी को नाम तो बताती हूँ मैं किसका चांद है। बाप रे बाप, आज के दिन नहीं कर सकता कुछ ऐसा। अगर मैं ना चांद नहीं बन सकती ना, तो चुड़ैल भी बन सकती हूँ ऐसे। हाय रे मेरा चांद, मांग टीका टेढ़ा हो गया तेरा। चल जल्दी आ जा, चल चल चल, तेरा थाली सजा। सो वेल गाइस, चंदा मामा आ गए और यहाँ पे बब्बू एकदम तैयारी कर रही फटाफट। भाई साहब 11:15 हो गया रात का, कसम से बहुत लेट हो गया इस बार तो। सो वेल गाइस, यहाँ पे तैयारी फुल चालू हो गई है और मैडम यहाँ तैयार होके आ गई है फटाक से। भाई और चंदा आ जाओ, आ जाओ, चांद आ गया। कहाँ? यहाँ देखो चांद आया, घर में ही चांद नजर आया, घर से आया, आया, रुको ना यार, फाइनली चांद निकल गया, पकड़ो जल्दी, पकड़ो। हाँ चलो, ओके, ऐसे लग रहा है कहीं चला है ना, वो एक्चुअली क्लाउड है ना, और फुल फुल भाई क्लीन, एकदम एकदम क्लीन।
फाइनली। सो गाइस यहाँ पे खाना निकल चुका है, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। मैडम बेचारी 11:05 हो रहे हैं अब भी जाके खाना खा रही है सुबह से। बताओ रात से कल। आई होप आप लोगों का करवा चौथ अच्छा बोला हूँ, ये हर बार होता है चांद का तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस इस बार मेरे को थोड़ा ज्यादा भूख लगा था क्योंकि आप लोग तो समझ ही सकते हो। आई होप आपको भी मजा आया, हम लोगों को तो बहुत ज्यादा मजा आया। मिलती हूँ जल्दी से अगले वीडियो के साथ अगले करवा चौथ पे, तो देखो क्या होता है। बाय 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 गाइस। और क्या क्या बनाया देखो यहाँ पे, देखो छोले, छोले बनाए भाई ये मस्त एकदम, मैंने खाया भी ना आजकल ना, ये वाली मिठाई खाने का बहुत मन करता है, मोती चूर वाला लड्डू बूंदी वाला, मैं बिल्कुल मिठाई खा लेती अब मेरे को ये सही होता है। गाइस इसको देखो बिना बोले चुपचाप आके बर्तन वगैरह मारने लग गया, क्यों खाना वाना बनाई तो थकी नहीं रही ना, तो मैं मार लेना सोचा रही था बर्तन, तो दो चार था तो दो चार तो मैं भी तो मार सकता हूँ ना। देखा इसीलिए हर साल में एकदम कठिन व्रत रखती हूँ, इतना अच्छा पति मिला है, अप्रिशिएट करना चाहिए, आप लोग को भी अपने पतियों को अप्रिशिएट करना चाहिए। चलो अभी हम लोगों का हो गया यहाँ पे, खाना वगैरह भी खा लिया है, अभी जा रहे हैं सोने, चेंज करूँगी फटाफट। पापा साड़ी में तो नहीं होता रहने, पता नहीं कैसे लोग साड़ी में खाना वगैरह सब बना लेते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, कैसा लगा जरूर बताना। मिलती हूँ जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाबू बाबू बाय बाय।